रिशब। हाँ मेरे हाथ खोलने का ट्राई कर। क्या? मेरी रस्सी खोलने का ट्राई कर। वो तीन लोग हैं, हम बहुत सारे, हम उनको आराम से हरा देंगे। तू खोल, तेरी तो चूर है। Are you mad or what? तुझे दिख नहीं रहा उनके पास गन्स है? I know, Rishab. I know, Rishab. पर और कोई रास्ता भी तो नहीं है। अगर हम लोगों ने कुछ नहीं किया तो पता नहीं लोग हमारे साथ क्या करेंगे। और हाँ, मम्मी और पापा भी तो वहां पर है, उनके साथ भी पता नहीं क्या हो रहा होगा। रिशब तू मेरी बात मान और चुपचाप मेरी रस्सी खोलने का ट्राई कर। हमें किसी भी हालत में ना पुलिस तक पहुंचना होगा। तेरी तू तू क्या बात कर रहा है? तुझे दिख नहीं रहा है उन्होंने रस्सी कितनी टाइट बांध दी? भैया मेरे बैक पॉकेट में पेपर कटर है, चुपचाप निकाल लीजिए। हाँ रिशब, उसकी पॉकेट में से पेपर कटर निकालने का ट्राई कर। मिल गए। अंजी, एक गर पूछा। हाँ पूछ। आप इतनी सुंदर कैसे लगती हैं? तुझे कैसे पता? मैंने तो मास्क लगा रखा है। मास्क में भी सुंदर लग रही है। थैंक यू। अंजी, एक और गर पूछा। हाँ पूछ। आपके हाथ में ना ये गन बहुत अच्छी लगती है। आंटी, आप बताइए ना, ये आप बैड काम क्यों करती हैं? अरे वो तो मैं बचपन से ही ऐसे। डोंट मूव। आई सेड डोंट मूव। वेरी गुड रिशु, छोड़ना मत इसे। छोड़ उसे। गन्स डाउन। आई सेड गन्स डाउन। डोंट मूव। कितना सारा कैश! अरे हम माला माल हो गए! लगता है लॉकर खुल गया। बहुत अच्छा हुआ। की बोल रहे हो तुसी? लॉकर खुल गया मतलब हमारा बैंक लूट गया जी? सदमे में आ गए हो क्या आप? या हमारा बैंक लूट रहा है और आप बोल रहे हो कि अच्छा हुआ? जी जी, सदमे में मैं नहीं, डकैत आएंगे।
जो मेन लॉकर होता है ना, अगर उसे कोई तोड़ने की कोशिश करता है तो सीधा अलार्म पुलिस स्टेशन में बजता है। पुलिस आ रही होगी यहाँ इन्हें पकड़ने के लिए। जी देखा मैडम, हमारे सर कितने बुद्धिमान है बजरंग बली के पास। बस 15 मिनट के लिए संभालना हमें है, उसके बाद पुलिस पहुंच जाएगी। ए हिलमत, वरुण पुलिस को फोन लगा। तक हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं जनता कॉलोनी से प्रताप रतन बंसल बोल रहा हूँ। हमारे घर में कुछ गुंडे घुस आए हैं, उनके हाथों में बंदूक भी है, और इनकी बातों से पता चला है कि इनके गैंग के कुछ लोग जो जयपुर बैंक को लूटने गए, जिसका मैनेजर जो है वो हमारा बेटा है राजीव बंसल, और हमारी बहू जो है वो वहाँ की सीनियर मैनेजर है। हाँ, हमें बैंक सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम से पता चल चुका है और हमारी एक टीम बैंक के लिए निकल चुकी है। हाँ जी शुक्रिया। चलो चलो चलो, सारा सामान इकट्ठा करो, कैश डाल इसमें कोबरा, सारी ज्वेलरियां उस वाले बक्से में डालो, फटाफट करो फटाफट। चलो 5 मिनट में सारा सामान भरो, जल्दी करो। किसी भी तरह इन्हें यहां 10 मिनट रोकना पड़ेगा ताकि पुलिस आके इन्हें पकड़ ले। राजीव जी कैसे रुके हम इन्हें? तुम लोगों को क्या लगा था हमें पुलिस? अब आएगी पुलिस। यो यो ये ए पकड़ लो इनको। आइए इंस्पेक्टर साहब, यो ये है सब। सर वो बैंक? डोंट वरी, हमारी एक टीम वहां भी गई है। आई होप मेरे पापा सेफ, आई होप मम्मी ठीक होंगी। अरे 5 मिनट हुए ही नहीं तुम्हारे पूरे, चलो जल्दी चलो, 5 मिनट में निकलना हमें यहां से। लेकिन टाइगर बॉस, थोड़े पैसे बचे हैं पेटी में कसने को। जितना रख लिया उतना काफी है, टाइम के हिसाब से और प्लान के मुताबिक हमें 5 मिनट में यहां से बाहर निकलना था। टाइगर बॉस कोई दिख नहीं रहा, ये ले भाग गए क्या सब? भाग गए तो भाग गए, वैसे भी वो हमारे किसी काम के नहीं थे। ये सारे बॉक्स उठा और चल यहां से। अंदर सर कुछ जाना पड़ेगा अंदर। सर सर मेरी बात सुनिए सर, पापा अंदर है सर। पीछे हटिए। कोई नहीं हिलेगा अपनी जगह से। पुलिस ने चारों तरफ से बैंक को घेर लिया है, तुम लोग भाग नहीं सकते, खुद को पुलिस के हवाले कर दो वरना पुलिस अंदर आ जाएगी। अब क्या होगा? तू पेटियां उठा, हमें प्लान बी करना पड़ेगा। मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, खुद को पुलिस के हवाले कर दो वरना पुलिस अंदर आ जाएगी।
इंस्पेक्टर हम लोगों को यहाँ से जाने दो, क्योंकि हमने बैंक के सारे कर्मचारियों को हमारे जैसे ही कपड़े और मास्क पहना दिया है। तुम पहचान ही नहीं पाओगे कि हम कौन है और वो कौन। अगर तुमने गोली चलाई तो वो किसी बेगुनाह को भी लग सकती है और बेगुनाह की जान जाएगी। मैं जानता हूं तुम कभी भी किसी बेगुनाह पर गोली नहीं चलाओगे, इसीलिए चुपचाप मेरे लोगों को यहां से कैश लेकर जाने दो। मैं एक एक करके बैंक के सारे कर्मचारियों को छोड़ता रहूंगा। ठीक है, मिश्रा जी, पापा, पापा ठीक है ना? आप लोग ये रुको, सब ठीक है, let's don't worry। तो ठीक है, घर पे सब ठीक है ना? हाँ मम्मी। ऋषभ, ऋषभ तुम ठीक हो? पापा, राजीव जी वहीं पर है। ऋषभ, पापा सर कुछ कीजिए सर, पापा। इंस्पेक्टर सर, आप प्लीज गोली मत चलाइएगा। उन दोनों में ना एक राजीव बंसल है, बैंक मैनेजर राजीव बंसल। आप प्लीज गोली मत चलाइएगा, उन्हें भी गोली लग सकती है इंस्पेक्टर साहब। सर राइट वाला टाइगर और लेफ्ट वाले मिस्टर बंसल। Are you sure? हाँ सर, उनके हाथ की तरफ देखिए, बहुत सूजा हुआ है और आज सुबह उनको मधुमक्खी ने काटा था। अरे सर, ये हाथ में क्या हो गया? मधुमक्खी ने काट लिया। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैंने बिल्कुल सही बोला, वही सर। आई एम श्योर सर, आई एम श्योर वही है मिस्टर बंसल। राजीव जी, पापा, राजीव जी, ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? घर पे सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब लोग सेफ है और इनके साथियों को भी पकड़वा दिया। थैंक गॉड यू आर फाइन। अरे पुत्र, ये तो अच्छा हुआ तूने राजीव जी को पहचान लिया उनके हाथों में ये सूजन देखकर, वरना इंस्पेक्टर को तो पता ही नहीं चलता ना कि कौन राजीव जी और कौन वो टाइगर है। तूने तो कमाल ही कर दिया अरे पुत्र। बेटा, थैंक यू बेटा, आज से तुमने मेरी जान नहीं बचाई, बैंक का पैसा बचाया, मेरी इज्जत बचाई तुमने, हैं? थैंक यू।
आप सब ठीक है ना? सब ठीक हो ना आप लोग? तुम्हारे पिता की जिंदगी में जो तुम्हारी जगह है वो बैरी ले लेगा। सच तो ये है पापा कि आज बैरी की वजह से मैं जेल जाने से बचा। सर राइट वाला टाइगर और लेफ्ट वाले मिस्टर बंसल। Are you sure? हाँ सर, उनके हाथ की तरफ देखिए, वो सूजा हुआ है और आज सुबह उनको मधुमक्खी ने काटा था। भगवान का शुक्र। अरे ऋषु, अरे क्या कर रहा है भाई? पापा सही कर रहा हूँ, आप जो इसकी तारीफ कर रहे हैं ना इसके लायक नहीं है। आज आपकी जान बची नहीं है बल्कि जान जा सकती थी। आपको क्या लगता है इसने जो आपका हाथ गैस किया अगर वो गलत होता तो गोली तो आपको लग जाती थी ना पापा? और इसकी वजह से मैं और दीदी अपने पापा को खो सकते थे। पर मैं बच तो गया ना। इधर आ तू, इधर। नहीं पापा। इधर इधर इधर। बेटा मैं ठीक हूँ ना, मुझे कुछ हुआ तो नहीं, बस बात खत्म। ऐसे हाथ नहीं उठाते, गलत बात है। पापा अब इसकी साइड ले रहे, आज तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आज मेरे को घना गर्व है कि तू मेरा बेटा है। भैया मुझे आप पर बहुत गर्व है भैया। सच्ची में टिट्टू, जिस बहादुरी से तूने उनका मुकाबला किया ना, वाकई में तारीफ के काबिल है। हाँ, और इसी खुशी के मौके पे मैं सबके लिए कटहल के छिलकों के पकौड़े बना ले आती हूँ। गॉड इज सो काइंड। No, very kind. But रुचि, पापा, मम्मी, आज मिठाई, मैं बाहर से मिठाई लेके आ रहा था। हाँ मिठाई ठीक है, मिठाई ले आ। हाँ ये बहुत बढ़िया रहेगा, मिठाई ले आ बाहर से। मम्मी, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मुझे ना अपने परिवार पर बहुत गर्व है। कैसे एकजुट होकर आपने इस मुश्किल का सामना किया है ना, कमाल कर दिया। बहुत बढ़िया। मम्मा एक गल बोला। बोलो बेटी जी। मैं आपको बताता हूँ हम सब ने कैसे टीम वर्क के और उन बैड गाइस की छुट्टी कर दी। वो ये कि शुभिया मेरे बैग पॉकेट में पेपर कटर है, चुपचाप निकाल लीजिए। ओ जी मुझे भी आप सब पर बहुत ही गर्व है जी, खासकर आप पर। जिन पैरों में अभी खुद चलने की ताकत भी नहीं है उन्हीं पैरों से अपने दुश्मनों का मुकाबला किया जी। अरे इस डोकरी को कम मत समझ, घनी झांसी की रानी है ये। काई बोले? ते कहीं सुनी? सुनी तो कुछ कुछ। तो मैं भी बोला कुछ कुछ। अरे भाई चलो, अंत भला सो सब भला। चलो अब सब थक गए, चल के आराम कर लेते। आजा झांसी की रानी। चलो 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 सब अपने अपने आराम करो। बोले गुड नाइट। बैरी पुत्र, ऋषभ प्लीज तुम दोनों आ गए, आओ प्लीज। देखो रिक्वेस्ट है तुम दोनों से, अब तुम दोनों फिर से लड़ाई मत शुरू कर देना। देखो बच्चों
फैमिली ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस से गुजर चुकी है, इसीलिए प्लीज नो मोर स्ट्रेस. इनफैक्ट मैं तो ये बोलती हूँ जी कि अगले 24 घंटों तक ना तुम दोनों एक दूसरे से बात ही मत करो. हाँ जी, बात नहीं करोगे तो बहस भी नहीं होगी और फिर लड़ाई भी नहीं होगी जी. तो ठीक है, अगले 24 घंटे तक तुम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करोगे. पैरी पुत्र, प्रॉमिस दे भाई, मुझे भी दे प्रॉमिस. भगवान का शुक्र है. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.